नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। चुनावी अखाड़े में जाने को बिल्कुल तैयार है। अगर बात करें राजद की तो वहां भी सीटों के बंटवारे से लेकर नारेबाजी तक हर कुछ पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि राजद जो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने MY समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर वोटरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो वो मुस्लिम और यादव वोटर्स को। ऐसे में लेकिन इस बार अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि राजद पार्टी जो है वो सवर्णों को भी इस बार टिकट देगी और वो भी उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में खड़े होते नजर आएंगे। पिछले कई चुनाव में अगर देखा जाए तो सवर्णों को ज़्यादा टिकट राजद पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। सवर्णों के कई सारे उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि सत्ता में इस बार हम ही आए, ऐसे में उन सभी ने ये पूरी तैयारी कर ली है राजद की ओर से कि सवर्णों को भी इस बार आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा, उन्हें भी प्रत्याशियों के तौर पर खड़ा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने और हर जाति में पार्टी की स्वीकार्यता को विस्तार देने के लिए राजद हर जुगत भिड़ाने को तैयार है। इस दिशा में वह सबसे पहले MY समीकरण को विस्तार कर इस चुनाव में अति पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों पर भी दाव लगाने जा रही है। इस संदर्भ में उसने सवर्णों की दी जा सकने वाली 2 दर्जन से अधिक सीटों की पहचान भी की है। पिछले चुनाव में राजद ने 1 ब्राह्मण, 3 राजपूत और 1 कायस्थ उम्मीदवार को ही चुनावी समर में उतारा था। भूमिहार जाति से 1 भी सीट नहीं दी थी। पार्टी ने इस बाबत भूमिहारों की नाराजगी अमृतधारी सिंह को राज्यसभा में पहुंचाकर दूर करने की कोशिश की है। प्रदेश के सियासी समीक्षकों के मुताबिक अगड़ों को दी गई सीटों पर चुनाव परिणाम उतने निराशाजनक नहीं थे, यह देखते हुए कि अगड़ों को कुल दी गई 5 में 3 पर जीत हासिल की थी। इनमें ब्राह्मण एक और 2 राजपूत प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। कायस्थ उम्मीदवार ने अपनी सफलता नजदीकी मुकाबले में गंवा दी थी। इस परिदृश्य में राजद ने इस बार पिछले समय से कई गुना सीट देने की रणनीति बनाई है। सीटों की अंतिम संख्या महागठबंधन के अन्य घटक दलों को सीट देने के बाद घट और बढ़ सकती है। दरअसल राजद के राजनीतिक विश्लेषकों ने माना है कि पिछले चुनाव में अगर कुछ अगड़े प्रत्याशी और उतरे होते तो चुनावी वोट प्रतिशत में सम्मानजनक सुधार हो सकता था। महागठबंधन के रूप में चुनाव सफलता हासिल करने के बाद भी राजद का वोट प्रतिशत 20 से घटकर 18 रह गया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जब से राजद पर MY समीकरण का ठप्पा लगा तब से उसका वोट प्रतिशत घटा है। खासतौर पर अति पिछड़ों के दूर जाने और सवर्णों के छिटक जाने से वोट प्रतिशत को प्रभावित किया गया है। घटते वोट प्रतिशत के आंकड़े इस बात का गवाह है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बिहार में नज़दीक आते जा रहा है, हालांकि इसके औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन सारी पार्टियां हर वो हथकंडे अपना रही है कि वो किसी भी तरह इस चुनाव में जीत हासिल कर पाए। और ऐसे में ये खबर मिल रही है कि इस बार राजद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने MY समीकरण के लिए जानी जाती है, इस बार सवर्णों को भी आगे करेगी और उनको भी टिकट मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।